तो बांट कितना दूर है ग्रा? 1 किलोमीटर। चल रहा खिड़की गोली पीछे सब व्यू चेक कर सकते हो। क्या बात है जी, पानिया तो अंदाजा लाई सकते हो जी के कितनी सारी बारिश हुई है जी। फिर बारिश नहीं थी जी, अल्लाह खैर ही करे। देखो ना सारी की कुछ भूख लगी है भाई डैडी। क्या बात है जी ना। अस्सलाम वालेकुम मोड़ियो पैनो सो मोड़ियो काओ जरा नेड़ा नेड़ा। उम्मीद करो सारे पर वालो सो आपने सुने रब तो उसे नवी ने हिफ जो अमान जो सो मैं वॉशर है मसंद करने पे ऊपर ठवा टीवी जी। तो व्यूअर्स लास्ट व्लॉग इस तक कैसे ऐसा इस्लामाबाद है ऐसा तो वाला टाइम है वापसी ना प्लान कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जब मौसम होया हल्की हल्के कणियां लगी हैं तो वेदर से चेक कराने हैं जी। माशाल्लाह आइडिया लाई सकने हो जी ऐसा चेक करो जमीन तो हल्की हल्की माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश लगी हुई है। और हूँ असा सफर ना अपने करने आगाज तो निकलने वापस घर आए पास नाल शेयरिंग करने। अलहमदुल्ला जी अपने सफर ना कर छोड़ा जी आगाज और मोटरसाइकिल साड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा साथ दिता और कणियाँ हल्की हल्की लगी हैं जी लेकिन मौसम बरसात है मज़ा इससे जी राइड करने ना और इंशाल्लाह बखैर वाफियत असा पहुंची जूसा इस्लामाबाद में। मिगी एक गल बड़ी खूबसूरत लगनी है यार बहुत अच्छी लगनी है गल के इतना असा चेक करो हर बंदे घर ने बाहर बूटे वगैरह लाए और इस खूबसूरती भी चार चांद ले गए जिस चेक करो राइट लेफ्ट ठीक है हर पास है हर कार ने बाहर गार्डन वगैरह लगा हुआ और बूटे वगैरह लगे है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जो प्ले ग्राउंड है जी पहाड़ी नानो ने करे नाल ही बिल्कुल है मार्केट है। इस मार्केट का नाम है राजपूत मार्केट और अगर तो बारिश इतनी कंडीशन ही रही हल्की हल्की कणियाँ लगी रही फिर तो सड़के कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह असा खैर खैरियत नाल पहुंच जा सा राइड करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर तेज होगी ना माड़ी भैन तो माड़े भ्राओ फिर रौला है लेकिन इस टाइम फिर वक्त जी सारा भ्रा इंजॉय करना करना जाना पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर खैरियत नाल सा पहुंच जुलसा सुहाव है नाल सारे शेयरिंग कर सा अगे कुछ धरना भी होना पे फैजाबाद वाली साइड पर हूँ माड़ा प्लान ये है कि उस साइड तू जाइए चेक करने को धरने क्या कोई सिचुएशन है। रूटने वाले काफ़ी सारे बंदे पूछने होने जी तो अपने बारे में सब दसना चला जी फिलहाल दसा मौजूद है सेक्टर I-10-2 विच दसा बने माड़े मरकज I-10 का मरकज आ गया हूँ इस जगह तो अस निकल सा फैजाबाद ने रस्ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिगी है जी थोड़ी जी एलर्जी ना तो सारे तो पहले जी इस जगह तो मेडिकल स्टोर है वाटसन है इस जगह तो मैं किन्ना मैं मास्क मास्क इतना चाहिए जी हम निकलने अरे चेक करो ना माशाल्लाह दरख्तों ने कितनी सारी खूबसूरती है और सही शदीद गर्मी भी हो ना इस रोड तो अगर गुजरने हो तो साथ अच्छा कि गर्मी इतनी महसूस नहीं होने लगी यार। फाइनली जी IGP रोड पर अच्छा चढ़ी आए हैं ये रोड डायरेक्टली फैजाबाद जैसी फैजाबाद तो असा टी चौक और टी चौक तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह GT रोड तक जी पहुंच रहे हैं जी असा फैजाबाद बस स्टॉप चेक करो बसा वगैरह लगी हैं जी इस तरह ही राइट साइड पे भी सारे अड्डे हैं जी बसा वगैरह ने ना कोई ऐसा कोना नहीं है जिस जगह नहीं इस अड्डे तो गड्डी वगैरह ना जानी वह बहुत बड़ा है अड्डा वह पिंडी इस्लामाबाद ना एक अड्डा तो दुआ पीर वधाई अड्डा ये चेक करो ना गड्डिया ही गड्डिया खलती हैं बसा ही बसा खलती हैं इधर गुजरात लाहौर मुजफ्फराबाद डस्का सियालकोट पसरूर कराची हर जगह नहीं जी गड्डी इस जगह तो तुम्हें लपसी। अच्छा ये वाली जी जगह मैंने माड़ियों भैनों तो माड़े भ्राओ इस जगह मैं निका होना होना सा बहुत सारे बंदे तकिया भी हो सी चागी ने पहाड़ ना एक यादगार बनती भी सी मोनूमेंट बनता हुआ सी जड़ा के याद दिलाना सी कि पाकिस्तान वाहिद एक एटमी ताकत और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और बचपन ही सी मैं तकना होना सा इस जगह तो है याद अच्छी सी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब तो उन्होंने टीम क्या ही एफर्ट सी उन्हें पाकिस्तान के एटमी कुवत बनाया तो चावी वाले पहाड़ और उसकी तकी कहना बड़ा बड़ा जज्बाती क्या कोई जड़ा सी लेकिन फिल वक्त तो इस जगह तक हम मौजूद नहीं इसकी मैं वजह ना दे सकना क्या था क्या वजह है और क्या है वजह नहीं है। बाकी इधर तरह वगैरह तो क्या सी फैजाबाद जाने सकती
के धरना वैसा है, कोई महंगाई ने खिलाफ और उसके बाद बिजली ने बिल आने अगेंस्ट। मैं क्या चलो तुसा क्यों दसा, लेकिन इस जगह फिर वक्त कोई पता वगैरह मौजूद नहीं है। पुलिस चेक करने पे होना ये गालबन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट डिजाइन किया सी, हुण मैं आइडिया नहीं है वो कि यूनिवर्सिटी सी, गालबन नस्ट सी या फिर यूईटी सी, और ये उन्होंने डिजाइन किया सी और कम से कम 10-15 साल पुराना ये ब्रिज है जी। ना बिल्कुल पूछेंगे तो बारिश है शदीद तेज लगी हुई है जी और काफ़ी सारे बंदे फंसते हुए और इस बारिश में मोटरसाइकिल चलाना ना खास तौर बाइकर हजरात ने जी बारिश रुकी है थोड़ी थोड़ी सारे निकल लगे भी नहीं तो खलता था जी। चेक करो जी लिखे है अल्लाह खैर ही करे इस बाले ने आसरा दिते यार इसकी। बाकी किसा टाइम बारिश शुरू हो जानी है जे किसा टाइम रुकी गश्ती होनी है ये वाला जो पुराना पुल है इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी भी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सा रवात पहुंच चुके हैं जी और रवात में माशाल्लाह बहुत बारिश हुई है, रोड नहीं था कंडीशन तो चेक कर सकते हो क्या बात है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह और मूनसून की बारिश ना अपने अजपुनी पुल इंजॉय करने इसमें पे जी। असा उम्मीद कर सब भी वीडियो इंजॉय करने हो, सो वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो जिन्हें सारे भैन भ्रावा सारे चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया वा जल्दी जल्दी सारे चैनल की सब्सक्राइब मारो जी। चेक करो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत जहा व्यू जी रवात शहर है ना, और रवात शहर ने बारे च एक गल बड़ी मशहूर है कि इस जगह पर तुसा की मिट्टी ने बर्तन उस तो बाद मूड़े चिक्का इस किस्म की आइटम्स बहुत सारे तकड़े की मिल सन जी। और ऐसा जी बाजार ऐसा है कलर सहीद चो ये वाली रोड डायरेक्टली कश्मीर की भी कनेक्ट करनी है जी माशाल्लाह। ये चेक करो हाँ ओए 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 बाकी माड़ियो पैनो तो माड़े भ्राओ उमर भाई साढ़े नाल सन जी असा बड़ी गप सप लाने लाने आए हैं बारिश की इंजॉय करने करने आए हैं। बड़े प्यारे जे भ्रा जी पाकिस्तान पुलिस का फखर पाकिस्तान का फखर उमर भाई बहुत अच्छा लगा उसके नाल गप सप लाई गए और बिल्कुल बोरियत नहीं हुई। इंशाल्लाह सफर यादगार ऐसे हमेशा तो हंसने रहो तो बसने रहो ऐसा तेरी पाकिस्तान ना मुल्क कौम ना तुसा फखर हो और मुल्क कौम की खिदमत करो चलो जसने रहो तो बसने रहो जी। बोक है जी असा भी हूँ जुड़े जी वापसी का प्लान करने ओके हाफिज ओके उमर भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और पोलाइट लड़का सी जी फर्स्ट ही मुलाकात हुई है भाई यार बड़ा इंजॉय किया ट्रिप किया इस तरह में कोशिश करना वा किसी बंदे की नाल पा लेकिन ये जिस लॉन्ग ट्रैवल करना वै खास कर कोई भी ना हो इस तरह चलो ये गप शप हो जानी है तो सफर अच्छा गुजरी गश्ता वै अलहमदुल्ला कल्याण स्ट्रीट मोड़ को पहुंचे और ऐसा है जी व्यू चेक करो तो मोटरसाइकिल साड़ा वो तो खलता वा तो आज मिसिंग करना सी पता नहीं क्या वजह आई है इसकी कोई नज़र वगैरह नहीं गई या कोई टकरा वगैरह आई क्या तो इसमें कोई सैटिंग वगैरह कराने कोशिश करना होना कि कहीं पेट्रोल पंप तू पेट्रोल वगैरह चल गया खलते इस मोड़ ना नाम है जी बांट मोड़ पाजल खलते दसिया बहुत शुक्रिया। इतों बांठ कितना दूर है ग्रा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो कल्याम शरीफ कोल ही है तो बांठ नहीं क्या कोई खास गल है क्या और केड़ा कोई मशहूर मुकाम है इतना बांठा कोल काल ठीक है
ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰੋਡ ਇਸ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਰੋਡ ਦੱਸਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਵਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਡ ਮਾਂਠਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੀ ਸਨ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਾਂਠਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई राणा अगेन शुक्रिया जी तुम्हारा मैं एहसान किस अल्फाज बयान करा शुक्र है जी मैं हेलमेट भूली आया सा तो पापा साड़ी के पीछे देन आया जी मैं इतना आया ना तो मैं चेक किया यार हेलमेट को नहीं लगे याद है फिर मैं तक पिछे नहीं सोपे बस वाले पास जुलिया था थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी नाले मौसम भी बहुत बहुत बेहतरीन है जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया राइड करने ना और वो आखने ना नीयत साफ तो मंजिल आसान तो मोटरसाइकिल में भी अगर मसला बनता तो बिल्कुल सामने वर्कशॉप से पाई रहने तो अगर मैं उतना हेलमेट भुली गया तकरीबन 1.5 किलोमीटर में अगर आ ही रहा उस दुकान तू बांट मोड़ तू इतना जी टूल प्लाजे तो यह पाइयर पिछले आए देने तो इन्हों का भी बहुत बहुत मैं मशहूर हाँ जी तो अल्लाह तला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे जी और माशाल्लाह बड़ा ही इंजॉय करना पाया मैं भी होप सो भी वीडियो इंजॉय करने उसको तो मैं वापसी वाले पास जुले ही सा इतना टूल प्लाजे तो आया मैं याद आया हेलमेट कोई नहीं है तो फिर ए आए इन्हें चाहिए दिता जी इन्होंने अगेन थैंक यू तो बाकी अगर जुलने हैं नाल सोने शेयरिंग करने करो जी मशीन वगैरह वाले जाने पे रिपेयरिंग करने अल्लाह तला इन्होंने रिस्क बरतना दिया जी माशाला बारिश मोटरसाइकिल चलाने ना जी अपना ही मजा वा वो ये चेक करो माशाला बड़ी खूबसूरत जी बोर्ड और इन्हें भाई यार माशाला पेट्रोल मुके तो भाई यार पैर धक्का दे गया बारिश के दौरान हर एक शहर समझ के ठंडी है हल्की कड़िया ना जिसमें फुहार जी नहीं होनी वो पूरे रस्ते लगी रही है और यकीन करो बड़ा इंजॉय करने करने आए हैं तो हम जुड़ने जी पटवार होटल है बड़ा टाइम हो गया इन्होंने मिक्स सब्जी नहीं खाधी इन्होंने मिक्स सब्जी तो उस बाद बिरयानी नहीं क्या बात है लेकिन अज इन्होंने टेस्ट कर सा जी असा मिक्स सब्जी चेक करो माशाल्लाह क्या बात है जी बड़ा खूबसूरत जो व्यू अच्छा सा मोटरसाइकिल चलाने जी तेरा क्या हाल है अच्छा ज्यादातर कोने समोसे नहीं चाट वगैरह नहीं तो सामने भी जी रेस्टोरेंट है जी ख्वाजा फारूक रेस्टोरेंट ए चाचा सारे बड़े प्यारे जो बैठे फ्रूट शूट लाया हुआ लोकेशन तो मैं बैठा हुआ जी खिड़की कोल ही पीछे सा व्यू चेक कर सकते क्या बात है जी क्या बात है जी माशाल्लाह 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 साढ़े को आ रही है जी सब्जी सब्जी जलफ्रेजी और बिरयानी एक त्रे चीज़ आपको लेकिन आज बड़ा दिल सी ये मिक्स सब्जी खाने ना और टेस्ट करने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना छाना सा खा ही रहे हैं और वापसी ना प्लान करने हैं जी खाना तो आ ही सकने हो या नाश्ता आ ही सकने हो क्योंकि टाइम हल्ले हो 10:30 और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जो मौसम होया वा चेक करो ये दरख्त है इस तरह पता लगना ये भी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो सारे पानी तो अंदाजा लाई सकने हो जी कि कितनी सारी बारिश हुई है जी बहुत बारिश हुई है जी बहुत बारिश हुई नार पिछे बैठे तो आखने ने वैसे तो बहुत बारिशा हुई हैं लेकिन सामने नहीं आज ही बारिश हुई है ये बहुत जी पहले भी की है जी बारिशा होनी पुराने दौर
पहले ज्यादा होनी हूं क्यों नहीं होनी हूं क्या वजह घट क्या होने नी क्या वजह वह बादशाह घट होने की तुर भी तको आने दरख्त घट हो गए हूं दरख्त घट होने नी वजह तू हूं उ बारिशा नहीं होनी अलहमदुल्ला जी अलहमदुल्ला खैर खैरियत नाल अपने शहर पहुंचे हैं जी क्या बात है माशाल्लाह बारिश तो बाद ना क्या ही व्यू है जी अपने इलाके में अपने घर पहुंच गया एक खुशी जी महसूस हो रही है अलहमदुल्ला जी रब्बिल आलमीन माशाल्लाह माशाल्लाह अलहमदुल्ला जी घर पहुंचे हैं जी कबूतरों की खोले अपने नाल ही चेक करो माशाल्लाह घर आई गए थोड़ा रेस्ट किया जी फिर बारिश लगी गई जी अल्लाह खैर ही करे जी घर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी रही है तुम चेक करो जी निकलती रही है माशाल्लाह शामिल है टाइम है बहुत खूबसूरत का मंजर है जी वे सिटी ना क्या बात है माशाल्लाह हो रहा है जी बलंगड़ी दाता नहीं ये नवी लोकेशन तो आ गया जी मलंगनी दादा नहीं क्या होया किसने ना फटा कर देता है अल्लाह खैर करे जी फटे शटे नहीं कर रहे से इन्हें हंसने रहो तो बसने रहो ऐसा तेरे मुस्कुराहट अब फेरने रहो क्या हड़े ने अल्लाह देने अल्लाह तला थोड़े रिस्क ढेर सारिया बरकता दे तो तुम्हारे फिंगर चिप्स इतने माशाल्लाह जबरदस्त है टेस्टी ने और तुम जिस जगह भी चले जो हमारे साहब है जंगल च भी बही रहो ना बंदे को इनशाला ये माड़िया दुआ थोड़ा ठीक है और तो साला टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है तो और असाड़ के भी कुछ भूख लगी है भाई डैडी जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ यार हो रहे हैं क्या बात है क्या बात है जिंदाबाद ना खाई के जी साड़ को फ्राइज आ हा हा क्या बात है जी ना फ्राइज है बेहतरीन निके तकड़े बिन क्या देख रहे हो कैसे हैं चिप्स इनके कैसे चिप्स इनके अच्छे हैं ਮਾੜੀਓ ਪਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਲੌਗ ਇਖਤਾਮ ਕਰਸਾ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੌਗ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਬਲੌਗ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼